राजस्थान में 13 सितंबर से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि दो दिन पेट्रोल पंप बंद है और राजस्थान सरकार ने अगर पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांगे न मानी तो पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर वसूल किए जा रहे करों में कटौती की मांग पेट्रोल पंप संचालक लंबे समय से करते आ रहे हैं, मगर कोई सुनवाई न होने पर 13 व 14 सितंबर को राजस्थान में सांकेतिक रूप से पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया गया है। राजस्थान में 13 सितंबर से शुरू हुई पेट्रोल पंप की हड़ताल का असर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देखने को मिलेगा। शाम 7 बजे के बाद सुबह 9 बजे से पहले पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो सकेगा। पूरे राजस्थान में 7000 पेट्रोल पंप है और सारे पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के डीलर्स की मांग है कि उनसे पंजाब जितना ही वेट लिया जाए ताकि पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सके। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल तो श्रीगंगानगर में मिलता है। अभी पंजाब और राजस्थान में पेट्रोल के भाव में करीब 15 रुपये व डीजल में 10 रुपये का अंतर है। पंजाब में इस समय पेट्रोल प्रति लीटर रेट 98 रुपये 22 पैसे व डीजल प्रति लीटर रेट 89 रुपये 12 पैसे है। पंजाब में पेट्रोल पर वेट 20% और डीजल पर 12% है, जबकि राजस्थान में पेट्रोल पर 31% व डीजल पर 19% वेट वसूला जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ कीमत अधिक है। आशुतोष गुप्ता आरोप लगाते हैं कि राजस्थान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के टैक्स को GST के दायरे में लाना चाहती है ताकि पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव एक समान हो सके, जबकि कांग्रेस शासित राज्य सरकार को GST मंजूर नहीं। लगता है इस बार राज्य सरकार मांगे न मानेगी तो मजबूरन 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ेगी। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK News।